बिहार में शराबबंदी की पोल तो पहले ही खुल चुकी है। सरकार की नजर में तो शराब बंद है, लेकिन जहरीली शराब का धंधा यहाँ बदस्तूर जारी है। मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा जहरीली शराब से हुई मौत की खबर के बाद मोतिहारी पहुंचे तो उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। सभी ने उस पीड़ित परिवार से मिलकर हाल जाना जिनके घर के लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई। साथ ही सदर अस्पताल में पहुंचकर भी इलाज करा रहे लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। पिछले दो दिनों के अंदर जो गंभीर हादसा हुआ है, शराब पीने से जो अभी तक 29 लोगों की मौत हुई है, ये निश्चित रूप से बिहार सरकार के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। नीतीश कुमार ने बिहार में जब से शराबबंदी लागू किया है उनका ये फैसला तब से सवालों के घेरे में है। जहरीली शराब से मौत का मामला इस बार क्या रूप लेता है, देखने वाली बात होगी।